नैनो यूरिया की सफल पेशकश के बाद केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईएफओ और अन्य उर्वरक विनिर्माताओं को नैनो डीएपी के वाणिज्यिक उत्पादन एक साल के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया। इससे देश की आयात निर्भरता को कम किया जा सकेगा। एक सरकारी सूत्र के अनुसार मंत्री द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस अपेक्षा के बारे में ईएफओ सहित अन्य उर्वरक विनिर्माताओं को बताया गया। इस साल की शुरुआत में इन विनिर्माताओं ने तरल रूप से नैनो यूरिया पेश किया था, अब वे नैनो डीएपी के लिए भी परीक्षण कर रहे हैं। बैठक में मंत्री ने 2000 खेतों में 24 फसलों पर अग्रणी उर्वरक सहकारी संस्था ईएफको द्वारा किए जा रहे नैनो डीएपी के खेत परीक्षण के मामले में अब तक की प्रगति की समीक्षा की। ईएफको के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि खेत परीक्षण के मामले अब तक उत्साहजनक हैं, क्योंकि फसल की जड़ें बेहतर विकसित हुई हैं। नैनो यूरिया के व्यावसायिक उत्पादन की सफल शुरुआत के बाद सरकार ने डीएपी के पेशकश पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत व्यावसायिक रूप से नैनो यूरिया का उत्पादन करने वाला पहला देश है। बैठक में मनसुख मंडाविया ने जोर देकर कहा कि देश को इस दूसरे सबसे अधिक खपत वाले उर्वरक के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नैनो डीएपी के समयबद्ध तरीके से विकसित करने की जरूरत है। सूत्रों ने कहा कि मंत्री ने अपने विभाग में अधिकारियों को इस नए उत्पाद की जल्द मंजूरी के लिए कदम उठाने को और एक साल के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।